हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन को समझेंगे। ये क्या समझाता है? जैसे कि ये वर्ड बता रहा है आपको किसका मतलब होता है, कोई चीज जो कंटिन्यूअस मूव करती रहे। फ्रॉम द फंक्शंस पॉइंट ऑफ व्यू हमें जो पढ़ना है वो ये समझाने की कोशिश किया जा रहा है कि अगर किसी फंक्शन को आप ड्रॉ करते हो ना ग्राफ पे, तो वो विदाउट ब्रेक या विदाउट पॉज या विदाउट लिफ्टिंग द पेन फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेपर आप उसको ड्रॉ कर सको। दैट इज वॉट द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन डिफाइंस टू यू। ये एक स्पेसिफिक मीनिंग नहीं है, मतलब मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नहीं बता रहे, ये जस्ट एक मीनिंग समझाने के लिए बताया जा रहा है कि आप बिना पेन को उठाए उस ग्राफ को अगर ड्रॉ कर लो, जिस पॉइंट पर आप चेक कर रहे हो फंक्शन को उस पॉइंट पर, तो वो कंटिन्यूअस हुआ, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूअस हुआ। ये एक सिंपल मीनिंग है जो आप किसी ग्राफ को देख करके भी पहचान सकते हो कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, ये यहाँ कहने का मतलब है। जैसे ग्राफ कई तरह के होते हैं, आपको बताएं, ग्राफ ऐसे होता है जैसे ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये भी एक ही फंक्शन का ग्राफ है जो इस पॉइंट पर देखोगे तो ब्रेक हो रहा है। ये पॉइंट ऑफ एक्स है जिसके ऊपर इसकी वैल्यू यहां और इसकी वैल्यू यहां अलग है। फिर आप ग्राफ देखो, जैसे अब देखो ये यहां पे ब्रेक हो गया, ध्यान दीजिएगा। ठीक, कई ऐसे फंक्शंस हैं जो डिफरेंट पॉइंट्स पर ब्रेक हो जाते हैं। जैसे अपना आपका बना ये और ये यहां देखो ये ब्रेक हो गया, और कई ऐसे होते हैं जो नहीं ब्रेक होते। अब इन्हीं फंक्शंस की अगर हम बात करें जो हमने ड्रॉ किया है, सपोज करो कि हम अगर इस पॉइंट पर पढ़ रहे हैं, इस पॉइंट पर पढ़ रहे हैं, तो यहां फंक्शन ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पर, लेकिन यही फंक्शन इस पॉइंट पर पढ़ेंगे तो वो डिसकंटिन्यूअस है क्योंकि ब्रेकड है। इसी तरह यहां पे देखो, इस फंक्शन को अगर यहां पे स्टडी करेंगे तो इस पॉइंट पर ये ब्रेक नहीं है, इस पॉइंट पर ये कंटिन्यूअस है, बट इस पॉइंट पर देखोगे तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट को बनाने के लिए, मतलब इस ग्राफ को बनाते समय जब हम यहां पर आए तो हमको पेन को उठाना पड़ गया। मीन्स हम पहले ऐसे गए, फिर हमें उठाना पड़ गया पेन को, फिर हम यहां से ऐसे बनाए। दैट मीन्स वी हैव टू लिफ्ट द पेन टू ड्रॉ दिस ग्राफ ऑन द प्लेन ऑफ अ पेपर, एंड दैट इज वॉट इट इज डिसकंटिन्यूअस। अगर ऐसा न करना पड़े, जो कि यहाँ का पॉइंट बता रहा है, ये वाला पॉइंट जो हमने ड्रॉ किया, तो ये तो हमने देखो ऐसे बना दिया लाइन से, तो जब हम ऐसे लाइन से बना दे रहे हैं तो ये तो पॉइंट इसके बीच में आ ही जा रहा है, यहाँ हमने लिफ्ट थोड़ी किया पेन को, एंड दैट इज वॉट दिस इज अ कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट बट डिसकंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन को देख करके कैसे आइडेंटिफाई कर पाए कि गिवन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, जिस पॉइंट पर क्वेश्चन हमको कह रहा है चेक करने के लिए। क्या ऐसी कंडीशंस हैं, हम वो कोशिश करेंगे समझने की कि कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिससे हमें ये समझ में आए कि गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। नाउ इसके लिए आपको पिछले क्लास की भी कुछ नॉलेज होनी जरूरी है। 11th में आपने फंक्शन पढ़ा था, 11th में आपने लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन पढ़ा था, ये दोनों चीजें आपको जाननी जरूरी है, ये दोनों चीजें आपको आनी चाहिए टू नो व्हाट अ फंक्शन इज एंड व्हाट अ कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इज। इसके लिए दोनों चीजों की नॉलेज जरूरी है, तो थोड़ा सा आप उसको ध्यान रखिएगा कि क्या पढ़ा था आपने, ताकि आप उसको समझ सको। सो इसको समझाने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि कंटिन्यूटी की डिसाइड करने के लिए कि कंटिन्यूअस है या नहीं है फंक्शन, उसको डिसाइड करने के लिए हमें क्या कंडीशंस होनी चाहिए, वो हम इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू एन एग्जांपल। हम दो एग्जांपल्स लेंगे जिससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे डिसाइड करें, क्या चीज देखें कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जांपल हमने लिया, fx इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, fx की वैल्यू 1 लिया व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड 2 लिया व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये फंक्शन हमने कंसीडर किया। ये फंक्शन अगर आप ध्यान दो तो 0 पे ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, मीन 0 पे ये फंक्शन बदल रहा है। एक्चुअली ये दो क्वेश्चन हैं जो एक में मिक्स्ड है, मतलब फॉर एनी वैल्यू ऑफ x दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 1। ठीक है ना, मीन्स ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 है तब जब x की वैल्यू 0 या 0 से कम है, फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ x। ये ध्यान दीजिएगा, x कोई इंटीजर या नेचुरल नंबर नहीं है, x एनी रियल वैल्यूज है, मीन्स 0.1, मतलब यहाँ पे अगर हम माइनस में जाएंगे तो -1.1, -0.1,
माइनस 0.01, माइनस 0.001, ये सारी वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी अगर वो x से छोटा, 0 से छोटा है, और वैसे 0 से बड़ा, जैसे 0.1, 0.001, 2.1, 2.9, 3.999, इन सब के लिए जो 0 से बड़ा है सबके लिए 2 हो गया। इट्स नॉट सो कि खाली 1, 2, 3 या माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 के लिए, मीन्स एनी रियल वैल्यूज दैट इज ग्रेटर देन 0 के लिए आंसर 2 हो गया, लेस देन और इक्वल टू 0 के लिए आंसर 1 हो गया। इसको आप और एक तरीके से देख सकते हो, ये फंक्शन ऐसे भी देख सकते हो, 1 व्हेन x इज लेस देन 0, 1 अगेन व्हेन x इज इक्वल टू 0, एंड 2 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। लाइक दिस भी आप सोच सकते हो फंक्शन को, कि 0 से छोटे पर 1 है, 0 पे भी 1 है, और जब 0 से बड़ा हो गया तो 2 हो गया। तो ये फंक्शन है, अब हमको इसको ड्रॉ करना है। आप ध्यान दीजिएगा, ये तीन पार्ट्स जो हमने किए, आप ऐसे भी देख सकते हो कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये एक क्वेश्चन हो गया। इसको ड्रॉ करने के लिए आपको याद होगा आप टेबल बनाते थे, हम पूरा कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, आपको खाली एक आइडिया देने के लिए हम बता रहे हैं कि आप ऐसे एक टेबल बनाते थे, यहाँ एक्स की वैल्यू पुट करते थे, यहाँ एफ एक्स की वैल्यू पुट करते थे, एक्स की वैल्यू कुछ भी जीरो से छोटी ले लो, जैसे माइनस 0.9 वन ले लेते हैं, वन ले लेते हैं, फिर माइनस 0.001, माइनस 0.01, माइनस 0.01, माइनस 0.02, ये डिफरेंट वैल्यूज हमने ली, सब नियरेस्ट वैल्यू है, सब जीरो के नियरेस्ट है, ये ध्यान दीजिएगा। ये वैल्यूज हमने लेस देन के लिए ली, ठीक। एक और अगर आप चाहो तो यहां बढ़ा लो, इसको बढ़ा लो, ये कर लो, जीरो भी ले लो। तो क्योंकि जीरो या जीरो से छोटे के लिए आंसर क्या आ रहा है, वन। इसी तरह आप टू के लिए भी बना सकते हो टेबल, आप चाहो तो कि आप एक टेबल बनाओगे, ये आपका टेबल बन जाएगा, आप यहां एक्स की वैल्यू पुट करोगे, यहां एफ एक्स की वैल्यू पुट करोगे, और यहां x की वैल्यू 0 से बड़ी, 0 भी नहीं ले सकते, 0 से बड़ी, तो हम 0.1 लिए, 0.01 लिए, 0.001 लिए, 0.2 लिए, 0.02 लिए, इन सब के लिए आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अब ये टेबल बन गया आपका, अब इस टेबल को आपको प्लॉट करना है ग्राफ पे। ध्यान दीजिएगा हम कैसे प्लॉट कर रहे हैं, ठीक। हम इसको प्लॉट कर रहे हैं, हम नीचे वाला फंक्शन थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं स्पेस के लिए, अब हम इसको प्लॉट कर रहे हैं। आप देखिएगा हम कैसे प्लॉट करते हैं, ये देखिए हमने ड्रॉ कर लिया है ग्राफ को। अब आप यहां पे ध्यान से देख सकते हैं कि एनी वैल्यू दैट इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, ध्यान दीजिएगा ये डार्क है, लेस देन और इक्वल टू जीरो पे ये डार्क हमने बनाया है जब जीरो की वैल्यू है, और जीरो से जस्ट बाद, जीरो से जस्ट बात रियल नंबर के लिए अगर आप देखते हो तो दैट इज 0.1, 0.01, 0.001, ये इतने छोटे वैल्यूज को हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते कि इतने छोटे में, तो हम एक सर्कल बनाते थे। ये आपने पिछले साल लीनियर इन इक्वेशंस में पढ़ा था, आपको याद होगा कि फॉर एनी वैल्यू अगर आपको ग्राफ बनाना, एक ये सर्कल बनता था और एक ये होल ऐसे डार्क बनता था, आप ध्यान दीजिएगा ये बनता था जब ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल टू लगाना हो, और जब सिर्फ ग्रेटर देन या लेस देन लगाना है तो इस तरह का ये बनता था, हॉलो सर्कल बनता था, ये सॉलिड बनता था, ये हॉलो बनता था, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये ग्रेटर देन के लिए जब लगाए हैं, तो जब जीरो से बड़ा तो उसके लिए हमने ये बनाया, क्योंकि जीरो पे टू नहीं है, जीरो पे वैल्यू वन है, और ग्रेटर देन जीरो पे ये टू है, जीरो से जितनी भी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी उसके लिए आंसर टू आ जाएगा, जीरो से जितनी छोटी है उसके लिए वन है, और जीरो पे भी वन है। तो इस तरह हमने ये ग्राफ बनाया है, आपको ये समझ आ गया होगा कि ग्राफ कैसे बना है। तीन फंक्शंस हमने कंसीडर कर लिए थे, या दो फंक्शंस ले लो, एक्स लेस देन या इक्वल टू जीरो, तो लेस देन या जीरो, इन दोनों पे आंसर वन आ रहा है, फिर ग्रेटर देन जीरो के ऊपर कुछ भी वैल्यू होगी तो आंसर टू आ रहा है, ठीक। तो ये हमारा फंक्शन बना। अब आप यहां ध्यान देना कि व्हेनेवर वी अप्रोच टू जीरो, क्या कह रहे हैं, जब हम अप्रोच करेंगे जीरो पे, दो वेज है हमारे पास अप्रोच करने की जीरो पे, एक इस साइड से अप्रोच कर सकते हैं जीरो पे, एक इस साइड से अप्रोच कर सकते हैं। अगेन ध्यान दीजिएगा, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, सो जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करोगे, मींस इन दिस डायरेक्शन जब आप जीरो पे जाओगे तो ये वन आ रहा है आंसर,
जब आप इस साइड से जीरो की तरफ जा रहे हो तो आंसर क्या आ रहा है, टू आ रहा है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, जीरो के पॉइंट पर हम चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो जब हम लेफ्ट हैंड साइड से जीरो की तरफ जाएंगे तो आंसर वन आ रहा है, राइट हैंड साइड से जब अप्रोच करेंगे जीरो की तरफ तो आंसर टू आ रहा है। सच थिंग्स हम कहां पढ़े थे, पिछले साल हम लोग लिमिट्स में पढ़े थे, व्हेन लिमिट्स ऑफ एफ एक्स, व्हेन एक्स अप्रोचेस टू अ सर्टेन पॉइंट तो उसकी वैल्यू क्या होती थी, ये हम यहां जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान दिख रहा है, ये ग्राफ जो है ये ब्रेक हो गया है, किस पॉइंट पर ब्रेक हुआ है, जीरो पर। जब जीरो से छोटी वैल्यू थी तो वन आंसर आ रहा था, कंटिन्यूअसली ग्राफ एक लाइन ड्रॉ कर रहा था, लेकिन जैसे ही जीरो आया, जीरो पे आके रुक गया, और जैसे ही जीरो से आगे गया तो यहां से पेन को लिफ्ट करना पड़ा ऊपर और यहां से इसको ड्रॉ करना पड़ा। तो दैट इज वॉट, एट पॉइंट जीरो ये फंक्शन ब्रेक हो रहा है, दैट इज डिसकंटिन्यूअस, ये ग्राफ से हमको दिख रहा है। सो अब हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि इस फंक्शन को कंटिन्यूअस विदाउट ब्रेकिंग अगर ड्रॉ करना है तो व्हाट शुड बी द लॉजिक बिहाइंड दिस, कि हम इसको एक जैसा ड्रॉ कर सकें, क्या लॉजिक होना चाहिए। आप ध्यान दो कि अगर इसको एक साथ ड्रॉ करना है तो या तो ये वैल्यू इधर आ जाए या ये वैल्यू इधर आ जाए, मतलब ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे है वो अगर यहाँ पे कंटिन्यू हो जाए तो वो एक जैसा बन जाएगा, या ये वाली चीज यहां से यहां हो जाए तो ये पूरा एक जैसा बन जाएगा। मीन्स व्हेन वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड व्हेन वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, व्हेन दीज बोथ वैल्यूज बिकम इक्वल, दैट मीन्स जो लिमिट एग्जिस्टिंग लिमिट जो फॉर्म होनी चाहिए अगर वो इक्वल हो जाए, जो कि यहाँ पे अलग अलग है, व्हेन यू आर अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड द वैल्यू इज वन, व्हेन यू आर अप्रोचिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड द वैल्यू इज टू, दैट इज लिमिट्स आर नॉट इक्वल, द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिमिट आर नॉट इक्वल, दैट मीन्स देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट एट पॉइंट जीरो, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। बट इन केस इफ देयर एग्जिस्ट दिस लिमिट एट जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो, देन वी मे से द फंक्शन हैज अ ग्राफ विच इज कंटिन्यूअस एट जीरो। सो जीरो पे कंटिन्यूअस ड्रॉ होने के लिए एक कंडीशन निकल करके आती है हमारे पास फ्रॉम दिस लॉजिक, दैट द ग्राफ हैज अ लिमिट एट जीरो एंड वो लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो दैट मीन्स एग्जिस्ट करने के लिए जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है और जो राइट हैंड साइड लिमिट है दैट शुड बी इक्वल एंड 100% इक्वल, तभी कंटिन्यूअस हो पाएगा। सो ये ऑब्जर्वेशन हमारा इस ग्राफ से हमको निकल करके आता है कि कंटिन्यूअस के लिए एक कंडीशन हमको फॉलो समझ में आती है, वो क्या फॉलो समझ में आती है कि एल एच एल शुड बी इक्वल टू आर एच एल। ध्यान दीजिएगा, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, व्हेन यू आर अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज फॉर अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड यू हैव टू इंक्रीज अ वैल्यू फ्रॉम वन वन बाई वन, मीन्स आप यहां से यहां आने के लिए कुछ वैल्यूज एड करोगे इसमें, मीन्स अगर ये माइनस फोर होगा, ये माइनस थ्री है, तो आपने यहां से यहां आने के लिए एक एड किया, मीन्स फिर यहां से यहां आने के लिए फिर एड किया, फिर यहां से यहां आने के लिए एड किया, दैट मीन्स यहां से यहां जाने के लिए आपको एड करना पड़ा, ये वैल्यू इससे क्या है, छोटी है, दैट इज इट इज लेस, मीन्स आप जब जीरो से छोटे पर, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या शो कर रहा है, आप छोटे पर हो ताकि आपको अप्रोच करने के लिए वन बाय वन इंक्रीज करना पड़ रहा है। आरएचएल ये चीज हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, इवन तो हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं, आरएचएल इज वॉट, मीन्स यू आर अप्रोचिंग फ्रॉम हियर टू हियर, दैट मीन्स फॉर दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट जब आप इधर से इधर आओगे तो एट ईच पॉइंट यू हैव टू डिक्रीज योर वैल्यू, दैट मीन्स दिस वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन दैट, मीन्स एक्चुअल में ये वैल्यूज जो है दैट इज एक्स जीरो प्लस है, सो दैट कि जब आप इधर से इधर आ रहे अप्रोच कर रहे हो जीरो की तरफ, फॉर दैट अप्रोचिंग यू हैव टू डिक्रीज द वैल्यू टू गेट द वैल्यू जीरो। तो इधर से इधर आने के लिए आपको जीरो को लाने के लिए राइट हैंड साइड से इधर डिक्रीज करना पड़ रहा है, जीरो तक आने के लिए इधर इंक्रीज करना पड़ रहा है। दिस इज वॉट लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज राइट हैंड लिमिट, व्हेन दिस टू वैल्यूज आर इक्वल only in that case you can say this type of function is continuous. ये ध्यान दीजिएगा, हमने बोला this type of function, not every function is continuous when this is zero. ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जब ये दोनों इक्वल हो जाए तो हमेशा हर फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए. For a function to be continuous, this must be one of the condition, होना चाहिए, क्योंकि यहां ऐसे भी फंक्शन होते हैं जहां लिमिट्स इक्वल है इवन दो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होते. कैसे, अब हम उसको फंक्शन को डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे फंक्शन होते हैं जहां लिमिट्स तो इक्वल है बट फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है. हम लोग नेक्स्ट एक फंक्शन लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग. देखिए ये वाला फंक्शन,
ये सेकेंड फंक्शन हमने यहाँ ड्रॉ किया है, इस फंक्शन को आप ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा फंक्शन हमने एग्जांपल लिया है दूसरी चीज को दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि सिर्फ यही एक कंडीशन नहीं है। अब इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है कि व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, जब एक्स या तो जीरो से छोटा है या जीरो से बड़ा है, दोनों ही केस में आंसर वन है, नॉट एट जीरो, जीरो पे नहीं। जैसे ही एक्स की वैल्यू जीरो आएगी आंसर टू हो जाएगा, जैसे ही एक्स जीरो पे गया ये वाले पॉइंट पर तो आंसर टू हो गया, लेकिन जीरो से जैसे ही आगे बढ़ा फिर आंसर वन आ गया, जीरो से जैसे ही छोटा हुआ आंसर वन हो गया। ध्यान दीजिएगा ये ग्राफ का हमने ड्रॉ कर दिया है। अब इस फंक्शन को भी अगर आप ड्रॉ करो और आप कहो कि बिना हम पेन उठाए ड्रॉ कर सकते हैं तो नॉट पॉसिबल। आप कैसे ड्रॉ करोगे, यहां तक आपने ड्रॉ किया ये जीरो आ गया, आप तो जीरो आते ही आपको इधर आना पड़ा ऊपर ये, फिर आपने यहां से ड्रॉ करना शुरू किया, सो दैट मीन्स बिना पेन लिफ्ट किया आप इसको ड्रॉ कर ही नहीं सकते। दैट इज वॉट इट सेज कि फॉर जीरो आपका फंक्शन चेंज हो जा रहा है, जीरो आते ही वो टू हो जा रहा है, जीरो से छोटे पर वन है, जीरो से बड़े पर वन है। तो ये आपने ड्रॉ किया कंटिन्यूअसली, फिर आप यहाँ रुक गए, यहाँ पेन उठा के यहाँ लिखे, फिर उसके बाद आपने पेन उठा करके यहाँ पे ड्रॉ किया फंक्शन, सो दैट इज द ब्रेकिंग, दैट इज अ पॉइंट जहां पे आपको पॉज होना पड़ता है, ब्रेक होना पड़ता है, रुकना पड़ता है और फिर कंटिन्यू होना पड़ता है, सो दैट इज अ पॉइंट। सो यहाँ पे जैसे ही जीरो पे आए तो ये फंक्शन ब्रेक हो गया, जीरो पे इसका आंसर टू हो गया। देख लीजिएगा ये सॉलिड है, ये हॉलो है, क्योंकि वन से जरा से बड़े या वन से जरा जीरो से जरा सा बड़ा है, जरा से छोटे पर ये आंसर है। सो यहां भी अगर आप ध्यान दो, व्हेन वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टुवर्ड्स जीरो, जब हम जीरो की तरफ अप्रोच करते हैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, सो द आंसर इज वन, एंड यहां पे जब हम अप्रोच करते हैं फ्रॉम राइट हैंड साइड द आंसर इज वन हियर, जो पीछे वाले में नहीं था। पिछले वाला क्या था फिगर, जरा सा हम फिर से शॉर्ट में बना रहे हैं आपको समझाने के लिए। पीछे वाला फिगर ये था, इधर वन था, इधर टू था, ये था। ध्यान दीजिएगा, यहां जब हम लेफ्ट हैंड से अप्रोच करते थे तो आंसर वन आ रहा था, जब राइट हैंड से अप्रोच करते थे तो आंसर टू आ रहा था, लिमिट्स आर नॉट इक्वल। तो हमने कहा कि फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए, कंटिन्यूअस बनाने के लिए ये दोनों लिमिट सेम होनी चाहिए, सो दैट कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए, दैट मीन्स हमने ये कंडीशन लिखी। अब यहां पे आप देखो, यहां तो लिमिट सेम है, जब लेफ्ट हैंड से चल रहे हैं तो भी आंसर वन है, जब राइट हैंड से मूव कर रहे हैं तो भी आंसर वन है हमारा, दोनों तरफ से जब अप्रोच कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पर तो दोनों तरफ से अप्रोच करने पर आंसर क्या प्रोवाइड कर रहा है, वन ही है हमारा, बट जैसे ही जीरो पे अप्रोच कर रहे हैं तो आंसर टू हो जा रहा है। सो अब ये तो कंटिन्यूअस नहीं ना हुआ, ये तो यहां पे लिमिट सेम हो गई, इवन तो ये कंटिन्यूअस नहीं है। अब यहां पे आप इवेल्युएट करो कि फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस व्हाट शुड बी देयर, क्या ऐसी चीज होनी चाहिए कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट अगर यहां पे आ जाए तब तो ये जुड़ जाएगा, ये जो गैप यहां आ रहा है ये इधर आ जाएगा अगर ये पॉइंट तो ये जुड़ जाएगा, मतलब जब x इज इक्वल टू जीरो पे इंस्टेड ऑफ टू अगर हम यहां पे कर दें कि ये वन हो जाए, मीन्स वही जो यहां लिमिट में आ रहा है अगर वही चीज यहां पे भी हो जाए तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो जाएगा, तब ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, मीन्स दिस इज नॉट द टोटल कंडीशन, देयर शुड बी वन मोर कंडीशन टू फॉलो और टू हैव अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस, देयर शुड बी वन मोर कंडीशन, एंड व्हाट शुड दैट कंडीशन बी, द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन शुड बी इक्वल टू द लिमिट ऑफ दैट फंक्शन, मीन्स जो लिमिट यहाँ पे आ रही है वही वैल्यू भी अगर हो जाए तो हम कह सकते हैं, मीन्स सेकेंड कंडीशन, ये जो लिमिट निकल के आई इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं, डायरेक्टली सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ऑफ एफ एक्स, ध्यान दीजिएगा ये जीरो माइनस जीरो प्लस एलएचएस आरएचएस अलग अलग लिखा था, ये पूरा एक लिमिट हो गया, ये एग्जिस्ट कर रही है, इसके एग्जिस्टेंस का मतलब ये दोनों इक्वल होगा तभी ये एग्जिस्ट कर रही है, तो ये चीज आ गई। अब इसकी वैल्यू जो है, इसकी वैल्यू जब फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो, जिस वैल्यू पर आप फंक्शन चेक कर रहे हो जीरो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर वो भी इसके बराबर हो जाए तब आप 100% कर सकते हो कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तब आपको पेन उठा के ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, उस पॉइंट पे आप स्मूथली फंक्शन को ड्रॉ कर दोगे विदाउट लिफ्टिंग योर पेन, दैट इज द पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिराइव कर रहे थे, ये इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे थे कि कब फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। इस पूरी चीज को आप एक और तरीके से लिख सकते हो, मोर बेटर फॉर्म में अगर आपको लिखना है तो आप जैसे दो पॉइंट्स ना लिखने की बजाय एक ही तरह से लिख सकते हो इस पूरे को, आप ऐसे रिप्रेजेंट कर दो
कि लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ जीरो। अगर हम ऐसे भी लिख दें तो भी हम कह सकते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है एट पॉइंट जीरो। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट डेफिनेशन तो थी नहीं कि कंटिन्यूअस डिफाइन करने के लिए आप ये कह दो कि पेन को लिफ्ट कर दें या न लिफ्ट करें, ऐसे करके तो हम फंक्शन डिफाइन नहीं ना कर सकते। टू डिफाइन अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस हमारी एक स्पेसिफिक डेफिनेशन है। अब हम उस डेफिनेशन को नोटेड डाउन कर रहे हैं। अब ये फंक्शन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो जानी चाहिए जो बुक्स में अवेलेबल रहती है। तो क्या कहता है कि अगर फंक्शन को कंटिन्यूअस रहना है तो पहले वो फंक्शन रियल फंक्शन होना चाहिए। मींस सपोज एफ इज अ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन किसको कहते हैं, ये भी आपने इलेवेंथ में पढ़ा है, ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन और रेंज दोनों रियल हो उसको रियल फंक्शन कहते हैं। ऐसा फंक्शन रियल फंक्शन होता है जिसके डोमेन और रेंज जो होते हैं सबसेट्स होते हैं रियल नंबर्स के। दैट मीन्स अगर ये रियल फंक्शन है तो इट शुड बी ऑन अ सबसेट ऑफ रियल नंबर। हम इसीलिए बोल भी दे रहे हैं कि अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप इसको नोट इट डाउन कर लें। सपोज f इज अ रियल फंक्शन, ये थोड़ा सा y एक्सिस का ये इधर आ गया, इसको हम ऊपर कर दें। सपोज f इज अ रियल फंक्शन ऑन अ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, एंड अब इसके अंदर एक पॉइंट लेना है ना जिसके ऊपर चेक करना है, जैसे हम लोग जीरो पे चेक कर रहे थे अभी, तो हम यहाँ पे पॉइंट लेते हैं एंड लेट सी बी अ पॉइंट। कहाँ पे ये पॉइंट होना चाहिए, इन द डोमेन ऑफ एफ। एफ के डोमेन में ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर हम इस फंक्शन को चेक कर रहे हैं। तो अगर हम ये पॉइंट ले लिए तो अब हम कहेंगे कि फंक्शन देन एफ इज कंटिन्यूअस एट सी। ये कब कंटिन्यूअस होगा, इफ क्या कंडीशन होनी चाहिए कंटिन्यूअस होने की, कि जो लिमिट की वैल्यू है, डायरेक्टली हम पूरा लिख रहे हैं, लिमिट जो निकला आपका सी पर वो लिमिट किसी फंक्शन का वो इक्वल होना चाहिए सी की वैल्यू के ऊपर, मतलब फंक्शन की वैल्यू जो सी पे आएगी उसके ऊपर ये इक्वल होना चाहिए। अब इसका मतलब हो गया सी प्लस और सी माइनस दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। जब वो एग्जिस्ट कर रहा है तभी ये चीज एग्जिस्ट की है, तभी आया है। सो लिमिट की एग्जिस्टेंस की जो वैल्यू आई और जो फंक्शन की वैल्यू आई, अगर वो दोनों इक्वल हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। क्लियर है, ये मीनिंग हुआ कंटिन्यूअस का। अब हम पढ़ेंगे आगे की क्लास में कि इसके फंक्शंस की कंटिन्यूटी के एलजेब्रा क्या होती है। अगर दो फंक्शंस कंटिन्यूअस हैं तो उनका समेशन कंटिन्यूअस होगा, उनका डिफरेंस कंटिन्यूअस होगा, उनका प्रोडक्ट कंटिन्यूअस होगा, उनका कोशेंट कंटिन्यूअस होगा, कंपोजिट ऑफ अ फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और फिर उसी में डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स कि कंटिन्यूअस को कैसे सॉल्व किया जाता है। बट बिफोर दैट हम ये चाहेंगे कि आप थोड़ा सा बेसिक चीजें लिमिट्स के बारे में पढ़ लेना उस समय तक में कि लिमिट्स क्या होता है, ताकि आपको समझ में आ जाए, लिमिट्स को कैसे निकाला जाता है वो भी आपको समझ में आ जाए, थोड़ी बेसिक जानकारी और जो बेसिक फॉर्मूलेस थे पिछले साल आपने लिमिट्स के पढ़े थे वो पढ़िएगा। थोड़ा सा आपको फंक्शन की नॉलेज भी होनी चाहिए कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है। तो ये फंक्शन की थोड़ी बहुत जानकारी डोमेन रेंज की और थोड़ा आपके लिमिट्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड फर्दर कि आगे की क्लास में आपको और बेटर तरीके से समझ है। टिल देन गुड बाय।